गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं हार्वेस्ट एनालिसिस मेथड में। ये एक मेथड है आपका प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मेजर करने का। पिछली वीडियो में हमने एक दूसरा मेथड किया था जो कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मेजर करना था। वो हमारा सबसे बेस्ट मेथड था लाइट और डार्क बोतल का। लेकिन जो हम इस मेथड के बारे में बात करने वाले हैं, ये आपका सबसे कॉमन मेथड है। क्यों सबसे कॉमन मेथड है और ये वीडियो आपको बहुत आसानी से समझ में आने वाली है, क्योंकि जनरल चीजों से हम कोरिलेट करके चलने वाले हैं, तो इसलिए बहुत इजी होने वाला है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मेजर करना है। पहले एक बार प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैं आपको बता देता हूँ क्या होती है। आप देखते हैं कि जनरली फूड चेन देखते हैं तो आप स्टार्टिंग या तो प्लांट से होती है, अगर आप एक्वाटिक सिस्टम में देखते हैं तो आपकी स्टार्टिंग फाइटोप्लैंकटन से होती है। मींस ये ऑटोट्रॉप्स है, अपना खाना खुद बनाते हैं। और इन पर डिपेंडेंट कौन है? आपके हर्बीवोर्स इन पर डिपेंडेंट हैं। और हर्बीवोर्स पर डिपेंडेंट क्या है? कार्निवोर्स, और जो आपके टॉप कार्निवोर्स हैं वो सब इन्हीं पर ही यानी डिपेंडेंट है, ऑटोट्रॉप्स पे ही डिपेंडेंट है। तो इस मेथड से हम एक इसकी लिमिटेशन भी है कि इस मेथड से हम एक्वाटिक जो है जो फाइटोप्लैंकटन ऑटोट्रॉप्स है एक्वाटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मेजर नहीं कर सकते हैं। ये इस मेथड की एक लिमिटेशन है और ये आप सिर्फ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं इस मेथड को। तो आपका एक्वाटिक सिस्टम में अप्लाई नहीं होने वाला है ये मेथड। पहला ये किस है? तो ये कॉमन मेथड है आपका एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मेजर करने का। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीन्स कि आपने सनलाइट से एनर्जी को यूज करके, सोलर एनर्जी को यूज करके आपने कितना बायोमास को प्रोड्यूस किया हो या कितना केमिकल एनर्जी बनाई। तो आपको पता है फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है वो आपकी सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। अब आपको जनरली जब हम हार्वेस्ट एनालिसिस की मेथड की बात करते हैं तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी हार्वेस्ट से ही कि फील्ड के बारे में बात होने वाली है। यहां पर हमने पहले देख लिया है कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए है, एक्वाटिक के लिए नहीं है। तो जब हम हार्वेस्टिंग की बात करते हैं तो हमें पता होता है स्टैंडिंग क्रॉप होती है, जो आप जनरली आपने फील्ड्स में देखा होगा वीट, राइस, ना जाने कितने तरह की जो फार्मिंग होती है इंडिया में अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए। तो स्टैंडिंग क्रॉप्स का कुछ टाइम होता है, वीट का टाइम होता है, राइस का कुछ टाइम होता है। तो रबी और खरीफ की आपने फार्मिंग सुनी होगी, फसल होती है। तो ये स्टैंडिंग जो क्रॉप है, तो जनरली आपने न्यूज में भी सुना होगा या का किसी फार्मर से कोई आप कॉन्टेक्ट में है तो आप जनरली सुन लेंगे कि इतना प्रोडक्शन हुआ है। तो प्रोडक्शन आपको कब बताते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, वो आपको कब बताते हैं? जब आपका जो आपकी वीट का जो आप मान लेते हैं कि वीट के प्लांट है ये आपके अभी फील्ड में ही है, तो आप नहीं बता सकते कि कितनी प्रोडक्शन होगी, कितना बायोमास होगा, कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन जब आप इसको हार्वेस्ट करते हैं तो आप जनरली मशीनरी का यूज होता है, कंबाइंस वगैरह का यूज होता है। तो आप जब हार्वेस्ट करते हैं तो ये जो ऊपर का आपका गेहूं, आपका जो वीट का प्लांट है, ये ऊपर की जो प्रोडक्शन है इसको हम निकाल लेते हैं। जनरली आप जब टीवी न्यूज में देखते होंगे तो मॉनसून आता है तो जनरली कहते हैं कि इस बार इतना प्रोडक्शन कम हुआ है, 2% 10% कम हुआ है बारिश की वजह से, किसी और रीजन की वजह से। तो जो प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं वो प्रोडक्टिविटी की ही बात कर रहे हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की ही बात कर रहे हैं। इसलिए ये कॉमन मेथड है। आप इंडिया में देख लीजिए, कहीं भी आप कोई भी फसल हो तो उसका वेट होगा ही होगा। इतने क्विंटल है, इतने किलोग्राम है, तो वो वेट होता ही है। लेकिन हमें यहां पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करनी है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं तो हम स्टैंडिंग क्रॉप से निकाल रहे हैं, इसलिए ये मेथड बहुत जनरल है और बहुत इजी वीडियो है ये। तो आप इसमें देखेंगे जो वीट का प्लांट है आपने मशीनरी का यूज करके यहां तक जो है अपर जो था वीट के प्लांट का, मैं इसको थोड़ा सा ऐसा कुछ बना देता हूं ताकि आपको लगे कि वीट यानी कोई प्लांट है, आपकी क्रॉप है कोई, तो यहां पर तक आपकी जो मशीनरी है वो कट कर सकती है। लेकिन जो नीचे का जो है रूट्स है या दूसरी चीजें हैं उनको कट नहीं किया जा सकता है मशीनरी या किसी भी चीज से, उनको सिर्फ आप हैंड से ही निकाल सकते हैं या कोई आप दूसरी मशीनरी का यूज करेंगे, फिर भी वो सोइल में ही रहेंगे। तो जब हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मेजर करते हैं तो यहां तक का जो एरिया था आपने मशीन से निकाल लिया, इसका वेट कर लिया, आपको यहां से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मिल गई। लेकिन क्या ये प्राइमरी
प्रोडक्टिविटी एक्चुअल में कंप्लीट तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सही बिल्कुल प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है? तो आंसर होगा नहीं। इस मेथड की लिमिटेशंस भी बहुत ज्यादा है। पहली लिमिटेशन मैंने आपको यही बताई थी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में हम मीजर नहीं कर सकते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको अगर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मीजर करनी है तो आप कैसे निकालोगे, कैसे हार्वेस्टिंग करोगे आप सीज में और ओशंस में जाके आप कैसे नीचे हार्वेस्टिंग करोगे? नहीं कर सकते आप, आपको दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा। तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में ये जो है आपका हार्वेस्टिंग एनालिसिस मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो जब हार्वेस्टिंग हुई, यहां पर आप देखेंगे कि ये इस जो अपर एरिया था आपको उसका बायोमास पता लग गया, उसकी प्रोडक्टिविटी आपने निकाली, लेकिन आपको जो बायोमास निकला वो सही नहीं था, एक्यूरेट नहीं था। क्यों नहीं था? आपने सिर्फ इस ऊपर वाले एरिया को ही आपने कट किया था मशीनरी की हेल्प से या मैकेनिकली भी विद द ह्यूमन रिसोर्सेस, तो आपने सिर्फ ऊपर वाले को ही कट किया था, नीचे जो रूट्स रह गई उसका बायोमास तो कलेक्ट हुआ ही नहीं। इसका बायोमास कहाँ कलेक्ट हुआ? सिर्फ ऊपर का ही बायोमास कलेक्ट हुआ। तो जिसकी वजह से हमें एक एक्यूरेट डाटा नहीं मिलता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, लेकिन ये मेथड फिर भी कॉमन है क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमें एक्यूरेट डाटा नहीं मिल रहा है। अब थर्ड की बात करते हैं। जर्नली मैंने अभी एक डायग्राम बनाया था कि आप देखेंगे कि यहां पर प्लांट थे, फिर इन्हें कंज्यूम कर रहे थे हर्बीवोर्स, फिर इन्हें कंज्यूम कर रहे थे कार्निवोर्स। तो इस तरह की फूड चेन बनती है आपकी। अगर मुझे निकालना हो कि कितना ऐसा प्रोडक्ट है जिसे कि जो कि बायोमास होगा जिसे कि हर्बीवोर्स कंज्यूम कर सकते हैं, हम जनरली जानते हैं कि सिर्फ जो 10% एनर्जी है वो ही ट्रांसफर होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर, और ये 10% एनर्जी का ट्रांसफर होना आपका बहुत ज्यादा डिपेंडेंट करता है फूड की क्वालिटी पे। तो आप यहां पर देखेंगे कि जो आपने बायोमास निकाला था वो ऊपर का था, हर्बीवोर्स इसको भी खा सकते हैं, और हर्बीवोर्स जो रूट में फंसे आपकी जो कुछ प्रोडक्ट है जो बायोमास है वो रह जाता है, वो उसको भी कंज्यूम कर सकते हैं। जनरली आप देखेंगे जब आप दिल्ली हरियाणा में जब आप पोल्यूशन का लेवल चेक करते हैं तो जनरली कहा जाता है पराली जलाई जाती है, कुछ और जलाया जाता है, तो वो इसलिए ही जलाया जाता है कि जो सॉइल में रह गया है बायोमास उसे खत्म किया जा सके। या फिर एक दूसरा मेथड होता है जो बहुत पहले यूज किया जाता था, अब यूज नहीं किया जाता है। दूसरा मेथड क्या होता था, जब भी आपकी फसल की जो आपका फार्मिंग का हार्वेस्टिंग होती थी तो उसके बाद एनिमल्स को छोड़ दिया जाता था ग्रेजिंग के लिए आपकी फील्ड में, ताकि जो अंदर का बायोमास है उसे वो अपना एज एन फूड कंज्यूम कर ले और आपका काम भी हो जाए कि ये सॉइल में से ये बायोमास निकल आए। लेकिन अब ऐसा नहीं होता, तो अब यानी जनरली आग वगैरह लगा देते हैं तो कुछ और कर देते हैं तो आपका ये बायोमास रह जाता है, लेकिन हमें एग्जैक्ट बायोमास नहीं मिला कि हर्बीवोर्स कंज्यूम करेंगे। हर्बीवोर्स इसको तो कंज्यूम करेंगे ही और हर्बीवोर्स इनको भी कंज्यूम करते हैं, इसलिए हमें ये डाटा भी नहीं मिला इस मेथड से कि हर्बीवोर्स कितने बायोमास को कंज्यूम कर सकते हैं। तो एक आपकी जो है लिमिटेशन ये है कि हर्बीवोर्स का हम नहीं बता सकते हैं कि वो कितना कंज्यूम कर सकते हैं, तो हर्बीवोर्स कंज्यूमिंग बायोमास के बारे में हम नहीं बता सकते हैं इस मेथड से। तो ये मेनली आपकी तीन जो है लिमिटेशन थी। एक्वाटिक सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं है, एक्यूरेट डाटा हमें नहीं मिलता, एक्यूरेट डाटा नहीं मिलता। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ हार्वेस्टिंग एनालिसिस मेथड के बारे में देखा, नेक्स्ट वीडियो में हम रेडियो आइसोटोप मेथड के बारे में देखने वाले, दैट इज यूजिंग C14। आई होप यू लाइक द वीडियो, फॉर योर सपोर्ट प्रेस द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।